एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पर होंगे। तो आज मैं बहुत ही टेस्टी और यम्मी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन पुलाव, बहुत ही यूनिक स्टाइल में और इजी प्रोसेस। तो आप देखिएगा मैं कैसा चिकन पुलाव बनाती हूँ। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना वीडियो। चलिए मैं बताती हूँ चिकन पुलाव कैसे बनती है मेरे स्टाइल में। मैंने 2 कटोरी राइस लिया है। अभी इसमें 1 स्पून जीरा है, 3 इलायची है, 2 बड़ी इलायची, 2 स्टार एनिस, 8 से 10 लौंग है, 3 स्मॉल दालचीनी, 15 ब्लैक पेपर और 2 तेज पत्ता। एक बड़ा सा प्याज लिया है जिसमें 2 ग्रीन चिली, 1 छोटा टमाटर। ये 500 ग्राम चिकन है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट है और हमने ऐसे गार्लिक लिया है, जिंजर काट के भी लिया है। और 1 स्पून हमने सौंफ लिया है। अभी हम लोग यखनी रेडी करेंगे, उसके लिए हमने पैन गरम कर लिया है, उसी में हम लोग चिकन डालेंगे और जितने भी खड़ा मसाला हमने रखा है वो डाल देंगे। उसी में अभी 4 कटोरी हम पानी डालेंगे मेजर करके। अभी इसी में हम लोग सौंफ डाल देंगे। इसके बाद हम लोग जिंजर गार्लिक जो काट के रखा था वो डाल देंगे। इसके बाद हम लोग इसमें नमक डालेंगे 1 चम्मच। इसके बाद इसमें हम लोग प्याज डाल देंगे थोड़ा सा। अभी इसको 15 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम पे ढक के रख देंगे। देखिए हमारी यखनी रेडी हो गई है। तो अभी हम लोग इसमें से चिकन, सारा चिकन निकाल के साइड में रख देंगे। अभी हम लोग यखनी को छान लेंगे। चिकन सारा निकाल दिया है मैंने और अभी हम लोग इसको छान के यखनी को साइड में रख देंगे। अभी हम लोग पैन में तेल गरम करके इसमें प्याज डाल देंगे और ब्राउन आने तक इसे अच्छे से भूनते रहेंगे। देखिए हमारे प्याज बड़ा अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, अच्छे कलर आ गए हैं। अभी उसी में हम लोग चिकन जो बॉईल किया है वो डाल देंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। इसी में हम लोग आधा कटोरी जो यखनी बनाया है हमने वो आधा कटोरी हल्का डालेंगे इसमें और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसी में अभी हम लोग टमाटर डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। इसी में अभी हम लोग स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। मैं डाल रही हूँ 1.5 स्पून स्मॉल स्पून से। अभी इसमें हम लोग जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल लेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अभी हम लोग 10 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे ढक के रख देंगे। अभी इसमें 1 स्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे। अभी इसी में ग्रीन चिली डाल देंगे 2, मैंने बीच से बस कट किया है थोड़ा सा। और इसे ढक के 3 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। अभी इसमें हम लोग यखनी डाल देंगे, ये 3.5 कप यखनी है। हम लोग इसमें चावल भी डाल दिए हैं और उसी के ऊपर हम लोग 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। और गरम मसाला डालने के बाद इसे हाई फ्लेम पे ढक के 15 मिनट तक रखेंगे।
ये देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और इतना अच्छा, ऑलमोस्ट ये 80-85% पक चुका है और कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग ऑलरेडी तवा ले लिए हैं और इसे लो फ्लेम पे डाल दिए हैं, उसी के ऊपर हम लोग इस पैन को डाल देंगे और इसे 15 मिनट्स के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देंगे। ये देखिए हमारी चिकन पुलाव रेडी हो गई है और ये बहुत ही डिलीशियस और यम्मी लग रही है। आप लोग भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा।